इस बीमारी का जो इलाज है वो दवाइयों में भी है, और दूसरा क्योंकि दिमाग की बात है तो दिमाग में जो सबसे ज़रूरी हिस्सा इंसान का है वो होता है मत और उसकी समझ, जो इस बीमारी में बीमार हो जाती है। जब समझ बीमार हो जाती है तो वो इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने शरीर के साथ कुछ भी नहीं कर सकता, एक तरह से वो अपाहिज हो जाता है। और जैसे जैसे उसकी बीमारी बढ़ती रहती है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम, उसके घर में प्रॉब्लम, रिश्तों में प्रॉब्लम, हर तरीके से प्रॉब्लम आती है। तो इन बीमारियों को WHO कहती है बायो साइको सोशल डिजीज़, यानी कि ये बीमारियाँ शरीर ख़त्म करती हैं, ये बीमारियाँ मानसिक सोचें, व्यवहार, पर्सन का स्वभाव, उसका जो विल पावर है सबको ख़त्म कर देता है। और सोशल मीन्स उसके जो रिश्ते हैं, जो दुनियादारी है, काम करना, इज्जत कमाना, वो भी ख़त्म हो जाता है। मतलब ये तीन ही तो चीज़ें होती हैं इंसान के पास। तो अगर ये तीन चीज़ें खराब होती हैं तो जब हमने पेशेंट को ठीक करना है, जब पेशेंट को वापस सोसाइटी में जाना है, तो तीनों चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। तो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी जो जो चीज़ें हमारी लाइफ को हेल्दी बनाती हैं, खुशहाल बनाती हैं, एक इंसान को सुकून देती हैं, उन सारी चीज़ों पे काम करना पड़ता है। इसलिए सर यहाँ पे बैठ के रोज़ उन चीज़ों की बातचीत करते हैं जो एक इंसान को इंसान बनाती हैं। जैसे अगर घर में हम रहते हैं, फैमिली से शुरू करें तो हेल्दी फैमिली क्या होती है, घर में हमें एक दूसरे के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे बातचीत करनी चाहिए, कैसे बच्चों को बड़ा करना चाहिए, पेरेंटिंग क्या होती है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एक हेल्दी रूटीन कैसी होनी चाहिए, एक इंसान का वैल्यू सिस्टम कैसा होना चाहिए, तो उन सारी चीज़ों पर बातचीत होती है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई भी चीज़ इसमें छोड़ दें। तो शारीरिक तौर पे भी पेशेंट बीमार है, उसके लिए दवाइयाँ भी चाहिए, और माइंड हमारा ट्रेनिंग से सीखता है, तो ये सारा एक ट्रेनिंग चलती है यहाँ पर। तो जब इतनी सारी चीज़ों की ट्रेनिंग करनी है, इतनी सारी चीज़ें ज़िंदगी में ख़राब हो गई हैं, हो गई है ना, ठीक है, तो हमें सारी चीज़ों को ठीक करना है। तो ये इलाज टाइम मांगता है। जब हम बोलते हैं ना जल्दी 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 जल्दी, तो हम अपने आप से पूछें कि पहले तो हम लिस्ट बनाएं कि हम यहाँ आए क्यों हैं, सिर्फ नशा छुड़ाने या ज़िंदगी वापस लेने, सब कुछ ही तो हमारा ख़राब हो रहा है। तो अगर इतना सारा टाइम लगा चीज़ें ख़राब होने में, तो टाइम लगेगा ठीक होने में भी। नशा छोड़ना एक गोल नहीं है, नशा छोड़ने के बाद एक हेल्दी लाइफ जीना गोल है। क्योंकि अगर लाइफ हेल्दी नहीं हुई तो नशा वापस आ जाएगा। तो ब्रेन और माइंड दोनों का ट्रीटमेंट होना है। तो इसी तरह से आज एडिक्शन को हम बीमारी बोलते हैं। एडिक्शन की ना बहुत डेफिनेशंस है। साइंटिफिक तौर पे इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर, कि दिमाग की खराबी बन जाती है। अब वो दिमाग जब ख़राब होता है तो उसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें किसी ना किसी चीज़ का जुनून ही हो जाता है, मतलब हम पागलों की तरह उस चीज़ के पीछे पड़ते हैं। अगर किसी को शराब के साथ ऑब्सेशन है तो उसको इतनी ऑब्सेशन है कि उसको कुछ और नज़र नहीं आता। अगर किसी को किसी रिश्ते के साथ ऑब्सेशन हो गई है तो उसको उस रिश्ते के अलावा दिमाग में और कुछ भी नहीं सूझता। तो तभी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं मोबाइल एडिक्शन के, मतलब जिनकी ऑब्सेशन बन गई है। एक दो बच्चे हमारे पास ट्रीट हो रहे हैं जिनको अगर उनकी मदर उनके हाथ से मोबाइल छीने तो वो चाकू छुरी तक अपने माँ बाप को मार चुके हैं, ऑब्सेशन हुई ना। जैसे किसी की शराब आप उससे छीन रहे हो, वो जब पी रहा हो तो वो आपको मारने तक जाएगा। सो ये सारी जो चीज़ें ऑब्सेशन की, ऑब्सेशन ऑफ माइंड क्या कैसे बन जाता है। और ना सिर्फ जसबीर सर, मुझे लगता है कि ये पेशेंट की ऑब्सेशन है, इसमें फैमिली भी ऑब्सेशन में है।
हमारी फैमिली का दिमाग भी वैसे ही चलता है। पेशेंट ऑब्सेस्ड है अपने नशे से, हम ऑब्सेस्ड हैं पेशेंट से, हम ऑब्सेस्ड हैं पेशेंट से। हमारे दिमाग में 24 घंटे हमारा पेशेंट घूमता है। जिस तरह से आपका दर्द बोल रहा है ना कि अब लोगों ने हार से तो स्वागत करना नहीं आपका, है ना, और ये स्टिग्मा है, मतलब बहुत सारी नज़रें आपको ऐसे देखेंगी। लेकिन अगर हम ये जो एक एक्सपर्ट्स ने एक तरीका बनाया है कि आप अगर एडिक्शन में हो तो आपका जो हाव भाव है वो बीमारी वाले हैं, जो लोगों को पसंद नहीं है, जिसकी वजह से वो आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, तो जब आप रिकवरी में जाओगे तो आपके हाव भाव एडिक्शन वाले नहीं रहेंगे ना। मगर ये जो एडिक्शन से रिकवरी का जो सफ़र है, इसमें दवाइयाँ, इसमें ये ट्रेनिंग, ये फेलोशिप, और सबसे बड़ी बात आपकी सच्चाई चाहिए कि अगर आप वो चाहते हो तो आपको मिलेगा। फिर दूसरी बात आ जाती है, अच्छा मैं चाहता हूँ और मैं उसको पाना चाहता हूँ तो मुझे करना क्या है। तो उसके लिए यहाँ पे स्किल सिखाए जाते हैं, उसके लिए रिहैब ट्रेनिंग प्रोग्राम है। क्योंकि जो इंसान नशे में रहता है वो असली दुनिया से कट जाता है, फिर उसको शर्म आ, मतलब कोई शर्मिंदा कर रहा है, मजाक कर रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आती, सुन हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जब वो नशे के बगैर दुनिया को फेस करेगा तो सबसे पहले तो उसको बातें सुनने को मिलेंगी, उसकी ईगो हर्ट होएगी, सेल्फ एस्टीम उसका मतलब ऑलरेडी ख़त्म है। मतलब अगर मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलूँ तो हमारा पेशेंट नशे के बिना एक नंगा हो जाता है। और एक नंगे इंसान को पूरी दुनिया के सामने जब आप खड़ा करो तो उसके ऊपर क्या बीतती है, बिल्कुल वैसे उसकी फैमिली भी नंगी होती है। सिर्फ पेशेंट को नहीं सुनना पड़ता, फैमिली को भी बहुत सुनना पड़ता है। तो ये जो प्रोग्राम बना है, ये जो स्किल्स बनी है, ये जो तरीका बना है, ये फैमिली को और पेशेंट को वो स्ट्रेंथ देता है कि वो दुनिया को फेस कर सके। एक्चुअली दुनिया को नहीं फेस करना होता, हमारे अंदर ही बीमारी बैठी हुई है, हमारे अंदर ही सेल्फ एस्टीम हमारी लो है। अगर हमारा अंदर से हम स्ट्रांग होंगे, जब हम ट्रेंड होंगे, स्ट्रांग होंगे, तो बाहर कुछ भी कहते रहे फिर हमें फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, नशा हमारे पेशेंट की पावर बना हुआ है, उस पावर ने उसको बहुत कुछ दिया है। शुरू में जब पेशेंट नशा शुरू करता है तो बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम बिल्कुल सोबर होके नहीं करते। आप नाचने की बात ले लो कि कोई पर्सन है बहुत शाई फील करता है, बहुत शर्म आती है उसको, और वो शराब पीकर देखो शादियों में हम कैसे बंदरों की तरह नाचते हैं। फिर तो वो एक इंसान डांस फ्लोर पर बंदर कैसे बन जाता है, क्या चीज़ उसके अंदर जाती है, तो वो उसका पेट्रोल बन जाती है, उसकी पावर बन जाती है। तो जब एक इंसान जो इतना शर्म महसूस करता है कि अच्छा अगर मेरे को मतलब ये चीज़ मेरे अंदर जाती है तो मैं नाच सकता हूँ, तो उसके ब्रेन को ये मैसेज देता है कि इसके साथ तो फिर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो उसकी ताकत बन जाती है। और इसी तरीके से पेशेंट उस पर डिपेंडेंट हो जाता है, निर्भर हो जाता है। अब जब हम उस पेशेंट से उसकी पावर छीन रहे हैं ना, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा। जैसे सर बोलते हैं कि उसने हमें बहुत गुड फीलिंग दी हुई है, पावरफुल भी फील कराया हुआ है, जो जो हमारे अंदर कमज़ोरियां थी उन सारी कमज़ोरियों को बड़ी अच्छी तरह से हमारे नशे ने ढांपा।